दोस्तों, अमेरिकन फिक्शन के पिछले पार्ट में हमने बात की थी उसकी डिटेल स्टोरी के बारे में। इस पार्ट में हम बात करेंगे इसकी एंडिंग और इसके कुछ अहम पहलुओं के बारे में। ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिकन फिक्शन एक कॉम्प्लेक्स लेकिन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है। कम से कम एंड तक तो ये बात कही जा सकती है। एक सर्टेन पॉइंट पर मंक बिना किसी की नॉलेज के अपनी रियल लाइफ जीता है और अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए स्टैग पर्सनैलिटी को भी अपनाता है, जिसे वो खुद बकवास मानता है। वो सिंटारा गोल्डन जैसे राइटर्स का मजाक उड़ाते हुए द्वेष की वजह से नॉवेल लिखता है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत प्रॉफिट कमाता है और अवार्ड भी जीत जाता है। जब वो चौंक कर अपना अवार्ड लेने के लिए उठता है क्राउड को ये रिवील करने के लिए कि मंक और स्टैग एक ही इंसान है, तब स्क्रीन ब्लैक फेड होने से पहले वो अनाउंस करता है कि उसके पास एक कन्फेशन है। अचानक मंक एक फिल्म के सेट पर होता है वाली नाम के एक प्रोड्यूसर के साथ, ये फिगर आउट करने के लिए कि उनकी फिल्म की एंडिंग कैसे की जाए, जिसे रियल अमेरिकन फिक्शन ऑडियंस समझ रही है कि ये वो फिल्म है जिसे वो अब तक देख रहे हैं। मंक ने अभी अभी कट टू ब्लैक वाले आइडिया का सुझाव दिया है, लेकिन वाइली का मानना है कि एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता ऑडियंस को थिएटर्स तक नहीं लाएगी, इसलिए वो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन पर काम करने का सजेशन देता है। मंक कहानी को रोमांटिक तरीके से एंड करने का सुझाव देता है, जिसमें उसका फिक्शनल वर्जन माफी मांगने के लिए कोरालाइन के पास लौटता है। वाइली इस आइडिया के फेवर में भी नहीं है। उसका सुझाव है कि फिर ये रोमांटिक कॉमेडी के बहुत करीब हो जाएगा। मंक फिर एक और आइडिया पिच करता है जहां उसका फिक्शनल वर्जन स्टैग का अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाएगा, रिवील करेगा कि वही राइटर है स्टैग, यानी एक वांटेड फ्यूजिटिव के आने और अवार्ड लेने की उम्मीद करते हुए पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए घुस जाएगी। फिर पुलिस स्टैग के अवार्ड को उसके हाथ में बंदूक होने की तरह गलत समझ लेगी और सेरेमनी में उसे गोली मार देगी। मंक इस आइडिया के एक्सप्लॉयटेशन से फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वाइली को ये पसंद है और वो तय करता है कि फिल्म की प्रॉपर एंडिंग यही होगी। चलिए अब समझते हैं इस फिल्म की एंडिंग ने इस मूवी को कैसे पूरी तरह बदल दिया। अमेरिकन फिक्शन खुद को फिल्म के अंदर एक फिल्म की तरह रिवील करती है, जो इससे पहले आई हर चीज के लिए मीनिंग रखता है। अमेरिकन फिक्शन के एंड में इस पॉइंट तक कहानी के लिए ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मंक और वाइली जो फिल्म बना रहे हैं वो उन इवेंट्स का एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है जो असल में मंक के साथ हुई थी, जहां वो ब्लैक लिटरेचर की हालत से तंग आ चुका था और उसने इंडस्ट्री को वापस पाने के लिए एक सटायरिकल नॉवल लिखने का फैसला किया। अमेरिकन फिक्शन में इसके एंड से पहले ही मेटा कमेंट्री की लेयर्स थी, लेकिन फाइनल लेयर का मतलब है कि मंक ने कमर्शियल ऑडियंस की जरूरतों को समझना शुरू कर दिया है और खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए अपनी कहानी हॉलीवुड को बेच दी है। अमेरिकन फिक्शन एक फिल्म के अंदर फिल्म होने के नाते कहानी के लिए कई सवाल उठाती है, खास तौर पर इस बारे में एम्बिग्यूटी है कि असल में हुआ क्या था और क्या मंक की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। हालांकि इस पॉइंट से पहले फिल्म नेचुरल लग सकती थी, लेकिन एंड में ये उम्मीदों पर खरा उतरती है। ज़ाकिया वनलाइनर, बेतुका कैंपी फिल्म प्रोड्यूसर और ड्रामेटिक फैमिली प्रॉब्लम्स की एक सीरीज। मंक को जिस तरह की किताबों से नफरत है उसी तरह अमेरिकन फिक्शन भी बेतुकी है। हालांकि पूरी फिल्म सेल्फ अवेयर है और दर्शकों को फिल्मों के बारे में उनकी परसेप्शन और सेंसेशनलिज्म से इमोशनली कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है इस बारे में सवालों के साथ उन्हें टेस्ट करती है। अब समझते हैं कि मंक वाली मूवी की एंडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। मंक ने अपनी कहानी हॉलीवुड को बेच दी है, जिसका उसके कैरेक्टर के लिए खास मतलब है। मंक की फिल्म का एंड, जिसमें उसके फिक्शनल सेल्फ को स्टेज पर गोली मार दी जाती है, सीधे तौर पर उन क्लीशेस को रिफ्लेक्ट करता है जिन्हें वो अपने नॉवल में सटायर की तरह पेश करना चाहता था। भले ही मंक और वाइली की फिल्म उन क्लीशेस की सेल्फ रिफ्लेक्टिव एग्जामिनेशन लगती है, वाइली इसे नहीं समझता या परवाह नहीं करता, लेकिन उसे एहसास होता है कि एक क्रूर दुखद एंडिंग की कमर्शियल अपील ज्यादा होगी। मंक को एंड से नफरत है क्योंकि ये ऑडियंस को लुभाने के लिए ऑथेंटिसिटी को खत्म कर देता है। जिस ओरिजिनल बुक को उसने पब्लिश करने की कोशिश की थी उसी तरह उसकी फिल्म को ब्लैक स्टोरी की तरह नहीं देखा जाएगा जब तक कि उसका कंक्लूजन सेंसेशनल ना हो। एंडिंग के साथ एक और सवाल उठता है कि क्या कोरालाइन और मंक फिर से साथ आ सकते हैं। फिल्म में पहले मंक ने कोरालाइन के साथ अपने रिश्ते को खराब कर दिया था। जब मंक कोरालाइन को स्टैग नॉवल पढ़ते हुए पकड़ लेता है तो वो उसे ये कहने के लिए डांटता है कि उसे ये नॉवल पसंद आई। ये दूसरों से जुड़ने में उसकी इनएबिलिटी को दर्शाता है, जिसने सालों से उसके फैमिली लाइफ और रिश्तों को प्लेग किया है। कोरालाइन खास तौर पर परेशान है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है।
मंकी मूवी में। वो उसे माफी मांगने के लिए मैसेज करता है, उसे अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट करता है जिसके लिए वो पहुंचती भी है। हालांकि जब वाइली के साथ मूवी की रोमांटिक एंडिंग की पॉसिबिलिटी पर चर्चा की जाती है तो असली मॉन्ग बताता है कि उसने उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया है। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मंग और कोरलाइन किसी भी हालत में फिर से एक साथ आ रहे हैं। चलिए आप समझते हैं कि इसके डायरेक्टर कोर्ट जेफरसन और एक्टर जेफरी राइट इस फिल्म के एंड के बारे में क्या सोचते हैं। डायरेक्टर कोर्ट जेफरसन के पास फिल्म के बारे में दिलचस्प थॉट्स थे और उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशंस पेश की। जेफरसन ने मंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाते हुए कहा, ही इज ऑन हिज हाई हॉर्स एंड जस्ट लाइक यू गाइस आर डूइंग इट रॉन्ग। उन्होंने मंग की ग्रोथ को समझाते हुए कहा, वो आखिरकार समझता है कि ओ मेरा इन लोगों पर गुस्सा होना रिडिकुलस है। असल में ये लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जो हम में से किसी से भी बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में है। उनके पर्सपेक्टिव से अमेरिकन फिक्शन का एंड मंग के इस एहसास के बारे में है कि उसे सिस्टम को जज करने के बजाय उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूएस टुडे के साथ एक इंटरव्यू में स्टार जेफरी राइट ने कहा कि उनका मानना है कि मंक वो कर रहा है जो आपको क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए करने की जरूरत है। उन्होंने एंड में एक छोटे से मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा, जब मंक सेट पर एक स्लेव की ड्रेस पहने हुए एक्टर को सर हिलाता है, ये वही है जो लोग आपको ऑफर कर रहे हैं और ये आपको नीचा नहीं दिखाता या आपकी एबिलिटीज को कम नहीं करता। इसलिए मंक का उसे हाथ हिलाना और सर हिलाना ऐसा है जैसे ये कहना आई सी इट। ये आखिरकार बाकी दुनिया के साथ उसका कनेक्शन है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं इसकी एंडिंग के रियल मतलब को। आखिरकार अमेरिकन फिक्शन फिल्म और लिटरेचर अमेरिका के नस्ल के जनरलाइजेशन की सटायरिकल क्रिटिक है। फिल्म इन मुद्दों को एक्सप्लोर करती है लेकिन फिर भी उन ब्लैक आर्टिस्ट को ऑनर करती है जो मंग के मुताबिक चापलूसी करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें आर्ट बनाने के लिए करना चाहिए। अमेरिकन फिक्शन अपनी ऑडियंस पर ग्रैंड मीडिया सिस्टम में उनकी पार्टिसिपेशन और कंज्यूमिंग एंटरटेनमेंट के लिए मजाकिया कटाक्ष भी करता है जो मंग को फ्रस्ट्रेट करता है। अमेरिकन फिक्शन में एज ए कैरेक्टर मंग के लिए वो उस तरह की कहानी का रिप्रेजेंटेशन करता है जिसे वो लिखा हुआ देखना चाहता है। वो अमेरिका में एक ब्लैक आदमी है जिसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादातर उसके परिवार के बारे में हैं, लेकिन वो उन फिक्शनल नॉवेल्स में पोर्ट्रेट प्रॉब्लम्स की तरह नहीं है जिनसे वो नफरत करता है। मंक पॉपुलर कल्चर के प्रति अपने गुस्से में इतना डूबा हुआ है कि वो अपने परिवार, दोस्तों और स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो अक्सर अपने आइसोलेशन में रहना चूज करता है। मंक की जर्नी एंटरटेनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझने और ये समझने के बारे में है कि वो जिस चीज को बकवास समझता है वो लोगों को कैसे कनेक्ट करने में मदद कर सकता है। अमेरिकन फिक्शन एक शानदार फिल्म है और जेफरी राइट की बेस्ट फिल्म्स और परफॉर्मेंसेस में से एक है। सवालों की लेयर्स और थीमेटिक डेप्थ फोर्स ऑडियंस को आर्ट और मीडिया के साथ अपने कनेक्शंस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है जिसमें लगातार ट्विस्ट्स उन्हें चौंकाते रहते हैं। यहां तक कि अमेरिकन फिक्शन में हाइपोथेटिकल बुक रीडर्स की तुलना में ज्यादा रिफाइंड और परसेप्टिव महसूस करने वाली ऑडियंस भी एंड में खुद से सवाल कर सकती है कि जो उन्होंने देखा उसमें आखिर कितनी गहराई है। तो दोस्तों ये था अमेरिकन फिक्शन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके पास कुछ सवाल या ओपिनियन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।